काउंट डाउन टू जय हो वन ऑफ द मोस्ट ईगली अवेटेड फिल्म ऑफ दिस ईयर हैज बिगन और आज हमारे स्टूडियो में इस फिल्म के पहले पहले गेस्ट हैं संतोष शुक्ला हु प्लेज वन ऑफ द लीडिंग विलन्स ऑफ द फिल्म फ्रेंड्स प्लीज वेलकम डेब्यू मेकिंग एक्टर संतोष शुक्ला संतोष जी वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस नमस्कार धन्यवाद बहुत बहुत कमल सिंह आप टेलीविजन की दुनिया से हैं टेलीविजन सीरियल में भी काम किया है जी, फिर सलमान खान जिस शो को होस्ट करते हैं बिग बॉस उसमें भी आप आए थे और वहां से इस फिल्म में कैसे एंट्री हुई आपकी देखिए जो रियलिटी शो था जिस रियलिटी शो में, में मेरी मुलाकात हुई सलमान खान से तो बिल्कुल भी आ, कहीं भी ऐसा कुछ लगा नहीं था मुझे कि मैं इस रियलिटी शो में इसलिए जा रहा हूं कि मैं सलमान भाई से जो है वो आ, कुछ ऐसा कर लूंगा कि शायद उनके साथ काम करने का मौका मिल जाए ये उस रियलिटी शो में शिरकत किया था मैंने और यकीन मानिए इससे बड़ा डेब्यू मुझे मिल नहीं सकता बिकॉज सलमान लाइक टू डेब्यू ड्रीम डेब्यू सलमान खान बीन वन ऑफ माई फेवरेट सुपर स्टार ऑलवेज यू नो उनकी हमेशा से फिल्में देखता आया हूं आ, उस रियलिटी शो का खिताब नहीं जीता संतोष शुक्ला ने लेकिन जीता सलमान खान का दिल ये कह सकते हैं आप तो आ, वो शो जब मेरा खत्म हुआ तो उसके मेरे ख्याल से तीन दिन के अंदर मैंने पिक्चर साइन की जय हो तो वहां पर आप जब वो शो कर रहे जी थे तब आपको अंदाजा था कि आपको कोई फिल्म में ब्रेक मिलने वाला है वो भी सलमान खान की फिल्म में <laughs> बिल्कुल अंदाजा नहीं था इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था लेकिन उस शो से इवेक्ट होकर के जब मैं बाहर निकला तो मुझे अंदाजा हुआ जब सलमान भाई ने मुझे बोला कि आ, बहुत ही पावर बहुत पावर है तुम एंड कहां थे अब तक तो मैंने मैं तो यही था अब आपसे मुलाकात होनी जो है वो अब लिखा था नसीब में तो मुलाकात हो गई उन्होंने बोला कि मैं तो ये मीटिंग करा रहा हूं सोहेल से और तीन दिन के अंदर मेरे पास फोन आया सोहेल भाई के वहां से कि सोहेल खान मिलना चाहते हैं आपसे ऑफिस में वहां गया एक दो घंटे की मुलाकात के बाद आ, एक छोटा सा ऑडिशन लिया उन्होंने और उसके बाद दे लाइक की यू आर प्लेइंग तो फिल्मों में आने का सोचा था आपने कौन नहीं सोचता है सर अगर कर रहे थे तो कर रहा था अगर आप एक्टर है और आपको लगता है कि आपके अंदर एक पावर है आप अपनी परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उनको दिखाना चाहते हैं कि एज एन एक्टर आपने कितना दम है तो मुझे लगता है कि फिल्म जो है वो उससे बड़ा मीडियम कोई नहीं है एंड आई एम वेरी लकी आई एम ब्लेस्ड मुझे ऐसा लगता है कि ये अल्लाह का बहुत शुक्र है महादेव की बहुत कृपा है कि आज जो है वो मुझे सलमान खान के साथ डेब्यू करने का मौका मिला है वो भी हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है जय हो Correct. और इस फिल्म का जो आपका किरदार है जी जी वो आपने रोल सुना और फिर हां कहा या आपके लिए यही काफी था कि सोहेल खान सलमान खान की फिल्म के लिए आपको बुला रहे हैं बस तय युवा <laughs> मेरे लिए काफी था कि मैं सलमान खान सोहेल खान मुझे अपनी फिल्म में काम करने के लिए बुला रहे हैं अगर वो मुझे बोलते कि एक छोटा सा शॉट है संतोष तू आता है और सलमान भाई देखो छापड़ मारते हैं बोलते हैं कैसे देखा तूने इसको हां क्यों देखा तो मैं वो भी करता <laughs> मैं उतना कर लेता लेकिन <laughs> मैं सौभाग्यशाली हूं आई एम ब्लेसड जैसे मैंने बोला मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा सपना आपको बता रहा हूं कोमल जी मुझे आजकल ऐसी फीलिंग हो रही है कि मैं जो सोच रहा हूं वो होता चला जा रहा है या टच फुट <laughs> टच गुड <फुट। laughs> टच गुट <laughs> मतलब मैं सोच रहा हूं होता बिग बॉस से बाहर निकला सलमान भाई ने जब मुझे बोला कि तीन दिन में तुम्हारी सोहेल से मीटिंग करा रहा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं लग गया बॉस अब मुझे मौका मिलने वाला है सलमान भाई के साथ काम करने का आई वॉज सो हैप्पी सो नहीं पाया तीन दिन तीन दिन बाद फोन आया पिक्चर साइन हो गई पिक्चर साइन होने के बाद हमने

तो आ मेरे रूम में वर्कआउट लगाते साथ में मैंने ठीक है वहाँ से फिर हमारी जो एक दोस्ती और एक जो बॉन्डिंग होती है वो शुरू हो गई आज मैं ये बोल सकता हूँ कि सलमान खान जो है वो मेरे बड़े भाई के जैसे हैं मेरे मेंटोर हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं एंड ही इज लाइक अ फैमिली फॉर मी आज वो मेरी मदर से बात करते हैं आ, मेरे घर में कोई तकलीफ होती है तो वो वो उसको समझते हैं सुनते हैं और आउट ऑफ द वे जाकर के कोशिश करते हैं कि मैं कैसे हेल्प कर सकूं आपने ये सोचने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों हुआ वाई सलमान टू का लाइकिंग फॉर यू मुझे ऐसा लगता है कि सलमान भाई की आंखों में एक ऐसा तगड़ा विजन अल्लाह मिया ने दे रखा है कि उनको इंसान की परख है वो बहुत सारे कंटेस्टेंट थे उस शो में लेकिन क्यों चुना मुझे क्यों उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया इतना सम्मान दिया इतनी रिस्पेक्ट दी अपने साथ रखते हैं मुझे ज़्यादा वक्त मेरा उनके साथ गुजरता है वो चाहे फार्म हाउस पे हो या फिर गैलेक्सी में हो या कहीं भी हो मुझे बहुत ही इज्जत देते हैं बहुत प्यार देते हैं पता नहीं मैं उसके काबिल हूँ कि नहीं ये मैं खुद भी नहीं जानता हूँ लेकिन शायद उनको इंसान की परख है वो चेहरे के पीछे छुपा हुआ जो इंसान होता है उसको पहचान लेते हैं एक चीज़ ये थी दूसरा उनको काम पसंद आया उनको लगा कि इस एक्टर में संतोष शुक्ला एज एन एक्टर ज लाइक अफ वॉल कैनो ये सुहेल खान की लाइन है ये हमेशा सेट में बोलते हैं वो कि संतोष शुक्ला एज एन एक्टर इज लाइक अफ वॉल कैनो सो अब अगर संतोष शुक्ला इतना अच्छा एक्टर है और उसके साथ ही उनको ऐसा लगता है मुझे नहीं पता अगर लगता है कि उतना अच्छा इंसान भी है तो उसमें यह होता है कि अब इस लड़के को क्यों नहीं काम मिलना चाहिए तो शायद उन्होंने मुझे प्रमोट कर दिया ब, ब्लेसिंग्स है मेरे मां बाप का आशीर्वाद है और आज उनकी पूरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है अभी जो फिल्म का ट्रायल रखा था वो फिल्म देखने के बाद कुछ दो तीन लोगों का नाम लेना चाहूंगा मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता हूं इस चीज़ को। सबसे पहला नाम है सलीम अंकल जो सलमान भाई सल्मान के डैडी जी जी तो उनके जो पिताजी हैं उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपकी ये पहली पिक्चर है और पहली पिक्चर में जो आपने काम किया बेटे इंशाल्लाह इस पिक्चर के बाद आपको कोई रोक नहीं सकता पहली चीज लेकिन सिर्फ एक चीज आपको रोकेगी आगे बढ़ने से वो आप खुद हैं आप कुछ ऐसा कर दे जो आपको लगे कि नहीं करना चाहिए आप आ, का जो हार्ड वर्क है डेडिकेशन है काम के प्रति अगर वो कम हो गया सो आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू मेक अ बिग इन दिस इंडिया फिल्म इंडस्ट्री बट अदरवाइज अगर आप ऐसे ही जैसे आप जो आपका डेडिकेशन है जो एक पैशन है काम के लिए कि नहीं इस सीन में कुछ अलग करेगा संतोष शुक्ला दिखाएगा कि नहीं मैं क्या हूं यू you नो know, अगर वो करते रहे आप जो एक पावर है एक एग्रेशन है इसको मेंटेन रखना बहुत आगे जाओगे लवली oh, कॉम्प्लीमेंट <laughs> सबसे पहले तो ये बताइए पहले दिन की शूटिंग में आप सलमान खान के साथ थे या कोई और सलमान खान के साथ अच्छा तो नर्वस थे नर्वस uh, बिल्कुल नहीं था सर मैं रियली बिल्कुल नर्वस नहीं था हा? ये मुझे ऐसा लगता है कि ये ब, मेरे अंदर कुछ एक ऐसी ब, शक्ति है मैं नर्वस नहीं होता सर कभी भी क्योंकि मुझे लगता है कि सब इंसान ही है जैसे हम हैं वैसे वो भी सांस ले रहे हैं वही खाना खा रहे हैं और वही दो पैर हैं, वही दो हाथ हैं दो आंखें हैं तो उसमें नर्वसनेस मुझे कभी लगती नहीं है कभी बस मुझे ये लगता है कि एक प्राउड फील हो रहा था एक खुशी थी उस खुशी को इजहार नहीं कर सकता था क्योंकि उस वक्त जो शॉट की रिक्वायरमेंट थी वो बहुत इंटेंसिटी थी उसमें अच्छा। बहुत ज्यादा पहला शॉर्ट है इंट्रोडक्शन है जहाँ इंट्रोडक्शन ही पहला शॉर्ट था पहला शॉट एंड वो सलमान भाई इधर से आ रहे हैंव टू जस्ट पास आउट और हमारा ऐसा शोल्डर हल्का सा टच होता है और उनको नहीं पता कि मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं और मुझे नहीं पता कि ये वही है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं यू नीड लॉट ऑफ थिंग यू नो बिल्कुल आंखें चढ़ी हुई और एंड सुरमा लगा हुआ है व्हाइट पठानी एंड गले में रोपट्टा जैसा प्रोमो में देख रहे होंगे वो एंट्री शॉट भी डाला मेरा वो एंट्री मुझे से शुरू कर रहे हैं सो so, वो शॉट की रिक्वायरमेंट ऐसी थी और मैं इतना ज्यादा खुश था कि वो मैं बयान नहीं कर पा रहा था तो उस शॉट के बाद कांग्रेस करते हुए सलमान भाई आए बोले अरे शुक्ला जी

क्लॉक इन द मॉर्निंग एंड सुबह नौ बजे का कॉल टाइम था तो नौ के कॉल टाइम में मैं पहुंचता हूं कुछ नौ बज के बीस मिनट पे और मैं देखता हूं कि सामान भाई विद मेकअप रेडी है फिर तो वो मैंने देखा उनका अच्छा मॉनिटर पर हर शॉर्ट देखना hmm. जाकर के कैसा कर रहे हो आके धीरे से कहने बजाना कि ये थोड़ा सा आंखें मत छोड़ो इसमें लाउड मत होना अंडर प्ले करके नॉर्मली बोल दो बिल्कुल वो और ज्यादा पावर लगेगा वेन यू शाउट तो शाउट पे आप खत्म हो गया मतलब आपका रेंज दिख गया अब इसके ऊपर नहीं जा सकते आप लेकिन जब आपने एक अंडर प्ले किया एक दबा करके आपने अपनी लाइंस को बोला कि कुछ भी बोल दिया बोला आपने भाई को तो वो ज्यादा अभी मैं चिल्ला बोला अपने भाई को वो एक अलग है ना तो वो सब चीजें बहुत सीखने को मिली सोहेल भाई से सलमान भाई से सब बहुत सीखने को मिली अच्छा मैं ट्रायल का बता रहा था आपको दो नाम और डेविड धवन और साजिद नाडे वाला उन्होंने भी ट्रायल देखी वो ट्रायल देखी और वो आकर के उन्होंने मेरे को गले लगाया बोले क्या काम किया है तूने मतलब सलमान खान तो है ही है पिक्चर में वो ही वो है लेकिन तू क्या कर रहा है आउटस्टैंडिंग धन्यवाद धन्यवाद सर तो उन दोनों ने अपनी अपनी फिल्मों के लिए साइन किया आ, आप अपनी फिल्मों के लिए साइन करेंगे इंशाला बहुत जल्दी और बहुत सारा सब कुछ बहुत बहुत सारी फीडबैक्स आ रहे हैं बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं बट बहुत सारी फिल्में आ रही है यानी फिल्म, फिल्में, फिल्में मैं साइन नहीं कर रहा सर आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिलीज ऑफ जय हो एंड जो भी पिक्चर साइन करूंगा उसकी सहमति सलमान भाई से डिस्कशन लूंगा वो जैसा बताएंगे देखिए मैं आप बहुत ही लॉयल आदमी हूँ इस फिल्म में

जब मुझे देखते हैं तो मुझे उनमें बख्तावर खान नजर आ रहा था अग्निपथ <laughs> वो हम वो सब नजर आ रहा था तो मैं हंस दिया तो सोल भाई कहते हैं क्या हुआ <laughs> अरे मेरा सोल भाई मेरा डैनी सर मुझे सब वो याद आ रहा है आपका खाता ऑल जो उनका चिल्लाना चीखना लाइक like, मेरा सर मुझे दो मिनट दीजिए तो बोले रिलैक्स रिलैक्स मैं नहीं मैं बिल्कुल रिलैक्स हूं सर मैं... Uh, कभी भी ऐसे नर्वस नहीं होता बट सर ये जो आपका और यू आपकी आंखें एंड ऑल दैट एंड रो आप वजन वो सर बोलन यू आर वेरी गुड अच्छे से करो मैंने सर मैं कर रहा हूँ <laughs> okay हो गया बट एक्टिंग का शौक कब से था आपको बचपन से सर अच्छा हाँ मैं स्कुल, स्कुल, स्कुल बिल्कुल, बिल्कुल 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 लखनऊ का रहने वाला हूँ बेसिकली आई एम बॉर्न एम्बॉर्डेंट इंड लखनऊ सिटी नवाबों का शहर है कथलिल स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ मैं कैथिल कॉन्वेंट स्कूल का और बहुत ही खूबसूरत स्कूल था बड़ी प्यारी यादें जुड़ी हुई वहां से वो स्कूल में भी मेरा हमेशा से ये रहता था कि मैं स्कूल जो भी प्लेस हो रहे हैं हमारे वहां पर उसमें आगे बढ़ के हिस्सा लूँ मैं कभी मैं वकील बन जाऊं कभी जज बन जाऊं कभी लॉयर बन जाऊँ कभी इंस्पेक्टर बन जाऊँ कभी डॉक्टर बन जाऊन नहीं बने थे विलन कभी नहीं बना था अच्छा दिस इज द फर्स्ट टाइम ये जो इतने लंबे बाल हैं ये मैंने कभी नहीं रखे लाइफ में एंड yeah. ये इतना जो शेप बढ़ा रखा है मैंने ये कभी नहीं बढ़ाया सो yeah. so ये सिर्फ सुहेल भाई और सलमान भाई का आइडिया था बिकॉज uh -huh. जो मेरा क्लीन शेप में जो लुक आता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है दैट इज टोटली टोटली पॉजिटिव पॉजिटिव सॉफ्ट एंड टोटली पॉजिटिव सो उन्होंने बोला नहीं इसको ऐसा लुक एंड ऑल दैट बिकॉज द पावर एंड द काइंड ऑफ एक्टर ही इज ये लुक जब आ जाएगा तो वो और ज्यादा एक्सप्रेसिव बहुत ज्यादा स्क्रीन पे टेरिफाइंग लगेगा लोग डर जाएंगे देखकर के ये कौन आ गया अच्छा अभी कुछ होगा पिक्चर में तो वो चक्कर है तो ये लुक मैंने उसके लिए बढ़ाया है और विलेन कभी नहीं बना हूं ये फर्स्ट टाइम है और बहुत अपने आप को मैं बहुत मुझे ऐसा लगता है सौभाग्यशाली मान रहा हूं मैं मैं अगर मुझे आज कोई बोले कि आप बाल छोटे कराओ क्लीन शिव हो जाओ एंड जबरदस्त एक टोटल लुक और आपको कुछ एक हीरोइश रोल में हम देते हैं मैं नहीं प्रेफर करूंगा <laughs> मैं उसके बाद भी सलमान खान की पिक्चर का विलन बनना प्रेफर करूंगा क्या तो काम लखनऊ से आप मुंबई कैसे आए कब आए क्या सोच कर आए कुछ टाइम हो गया मेरे ख्याल से एक सात आठ साल हो गए और ये सोच के आया था कि एक्टिंग करूंगा यहाँ पे आकर के और एक्टर बनूंगा तो घर तो में कोई ऑपोजिशन रहा या घर में ऑपोजिशन बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से हो ऑर्थोडॉक्स फैमिली ब्राह्मण परिवार से हो लखनऊ में तो उन लोगों को कभी कुछ समझ में नहीं आया कि ये एक्टिंग और बॉलीवुड क्या है टाइम वेस्ट कर रहे हो और लखनऊ में रहो और तुम्हारी जॉब लगा देते हैं कभी भी पढ़ाई में इतना कुछ ऐसा दिलचस्पी नहीं थी हमेशा ये रहता था कि नहीं कुछ ऐसा कुछ करूं कि मैं लाइमलाइट में आ जाऊं अच्छा। लोग मेरी पर्सनालिटी जो मेरा जो चरिश्मा है और मैं जो पावर है मेरे अंदर उसको नोटिस करें किसी तरह और यही वजह थी कि मैंने बिग बॉस को हां बोला मैं मरीना गेस्ट हाउस में जब आया हूं सबसे पहले तो बैंड्रा मरीना गेस्ट हाउस में रहता था जहां पर बहुत सारे स्ट्रगल रहे बहुत सारे स्ट्रगल रहे सर और वहां काफी वक्त गुजारा मैंने मरीना गेस्ट हाउस मगर में। फिर खर्चा कैसे चलता था खर्चा खर्चा, खर्चा था। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत घर से मैंने सपोर्ट किया उसके बाद हमारी एक एड एजेंसी थी लखनऊ में तो उस एड एजेंसी में जो है वो पापा को मैंने बोला कि मैं कुछ काम करूंगा बिकॉज मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए मैं अपने लेवल पे अपने दम पे कुछ करना चाहता हूं तो उस एड में से जो मेरा कमीशन बरसता था वो जोड़ 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 करके मैं बॉम्बे आया और मैंने यहाँ पे आकर के स्ट्रगल शुरू किया उस पैसे से एंड काम मिलता गया कभी ऐसा मुझे लगा नहीं कि इस मामले में लिखी था वो चाहे टेलीविजन हो आई वॉज वर्किंग मतलब मैं कभी अच्छा ऐसा नहीं कि काम बिना हाँ मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैं काम ही नहीं मिल रहा है में चला गया मैं नीचे चला गया नो नो वर्ट आई एम डूइंग यार कुछ नहीं मिल रहा यहाँ पर वापस चलो नहीं नहीं होता नहीं वैसे कभी नहीं कभी नहीं कुंभ राशि है सर संतोष शुक्ला जो है वो इंसान है जो गिर गिर के उठता है तो कभी कोई प्रोड्यूसर के ऑफिस में जिल्लत सहनी पड़ी नहीं सर ऐसा तो कभी मुझे नहीं लगा की जिल्लत सहनी पड़ी बट हाँ लोग टालते थे जब आपका वक्त बुरा चल रहा होता है तो हाँ आप आइए कुछ देखते हैं हमारी पिक्चर शुरू होने वाली मैं सर कितना टाइम है बोलो नेक्स्ट ईयर सीधा एक साल का तो आप समझ जाते थे आ, कि ये तो टालने वाली ए, बात ये टालने वाली बात हो गई ना सर कैसे वो वो घूंट कैसे पीते थे फिर हां घूंट पीना पड़ता था क्योंकि अब आप किसी से बहस नहीं कर सकते यू कैन नॉट फोर्स एनीवन कि नहीं सर आप मेरे को कास्ट करो नहीं। नहीं। कई बार लोगों ने ये भी बोल दिया कि यार आपकी एक्टिंग जो है वो मजेदार नहीं है थोड़ा आर्टिफिशियल करते हैं आप आप थोड़ा ट्रेनिंग ले लो मैंने सर मैं तो मेरे खून में एक्टिंग बह रही है मैं ट्रेनिंग लेने तो मैं लग नहीं सर कोई ट्रेनिंग नहीं कोई थिएटर नहीं किया मैंने और आज मैं कहीं भी परफॉर्म करता हूँ तो लोग बोलते हैं आप थिएटर से तो मैं प्राउड फील करता हूँ ऐसा कभी कभी दे देता हूँ हाँ थिएटर से फॉर तो संतोष जी अब जब इस फिल्म की ट्रायलें होने लगी है तो जाहिर सी बात है कि प्रोड्यूसर्स देखेंगे आपको जी, नोटिस करेंगे जी, जी. तो अब आप वेट करेंगे कि प्रोड्यूसर्स आप तक पहुंचे या आप अब प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करना शुरू कर देंगे आ, मैं इसमें अभी फिफ्टी फिफ्टी चल रहा है मेरा मैं सोच में हूँ कि मैं देखिए मुझे मैं जैसे मैं अभी भी अपने आप को पहले जैसे ही मानता हूँ कुछ ऐसा सेल पे नहीं आने देता हूँ मैं कभी भी जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ मैं और मुझे ये कि मैं पहले भी जाता था मिलने लोगों से तो मैं अभी भी जाकर के मिलूंगा किस आई वन ऑफ वर्क विद यू एंड सच अ वंडरफुल डायरेक्टर आपकी पिक्चर देखी मैंने और मैं भी एक पिक्चर कर रहा हूँ जय हो उसमें एक किरदार किया मैंने और वो अगर काफ़ी अप्रिशिएट हो रहा है आप देखिए उसको अगर आपको ऐसा लगता है कि वो अच्छा लगा है तो मुझे काम दीजिए इसमें कोई मुझे लगता है इंसान छोटा नहीं होता है सही लेकिन अगर मेरी किस्मत बुलंद रही और सितारे जो है वो बुलंद रहे प्रभु का आशीर्वाद रहा सो यू नेवर नो कि इस पिक्चर के बाद मेरे पास खुद ही आने लग जाए लोग अच्छा जैसा हो रहा है अभी से ही कि ट्रायल जब ये ट्रेलर स्टार्ट हुए इनफैक्ट जो ट्रेलर स्टार्ट तब, हुए, भी प्र, तब से लोगों के फोन आने शुरू कर दिया हुँ. कि लोगों ने कॉल किया कि सर आपसे एक मीटिंग करनी है यह हमारी पिक्चर स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट मंथ हमारी पिक्चर में एक मेन विलन है अच्छा अब ये अगर मैं नेगेटिव करूंगा दिस इज वेरी क्लियर कट जय हो के बाद संतोष शुक्ला अगर नेगेटिव करेगा तो मेन लीड करेगा दैट्स इट अदरवाइज आई विल बी एनी फिर अदरवाइज नहीं अदरवाइज आई विल बी डूइंग सम डिफरेंट रोल कुछ एक और अलग कुछ हो तो बहुत बढ़िया करेंगे अगर विलेन करूंगा तो मेन लीड करूंगा मैं हम्म हम्म ये मुझे गाइडलाइन भी मिली है जो हमारे है और उसी को फॉलो करूंगा मैं तो और बहुत अच्छा है सर आप बाकी अब आप देखिए और इंडिया देखेगा इंडिया के बाहर लोग देखेंगे और वो देख के बताएंगे कि संतोष शुक्ला के बारे में सलमान खान ने जो बोला है उसमें कितना वजन है।, है।, है सो ये चेक करें सर चलिए संतोष जी इसी दुआ के साथ हम आपको जाने देंगे हाँ। कि सलमान खान ने जो बोला है वही अभी पब्लिक भी बोले आफ्टर वाचिंग जय हो कि संतोष शुक्ला का काम बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एंड छा जाए आप जय हो सर जय हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो दोस्तों ये थे संतोष शुक्ला इनकी पहली फिल्म जय हो इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है सलमान खान को तो सभी देखने जाएंगे लेकिन इस फिल्म में कुछ न्यू कमर्स भी है जिनकी पहली हिंदी फिल्म ये है और उनमें से एक है संतोष शुक्ला उनका काम देखिए एंड याद कीजिए सबसे पहले सलमान खान ने कहा था ही इज वेरी इफेक्टिव फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव कोई सजेशन हो तो प्लीज डू राइट इन टू असर बॉलीवुड बिजनेस एट जी नेटवर्क डॉट कॉम एंड इफ यू हैनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा तो उठाइए अपना मोबाइल फोन टाइप कीजिए बीबिस स्पेस छोड़िए टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 57575 पर यू कैन फॉलो us ऑन ट्विटर at etc Bollywood. दिस इज कोमल Nahata bidding यू goodbye.